हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का सभी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो आज की वीडियो में हम अपनी डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का। तो यहाँ पे जो हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यहाँ तक हम इसको कवर कर चुके थे। तो ये जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको प्लेलिस्ट की, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी बात करें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजन, तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसका हमारा पहला टॉपिक होगा एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजन। चलिए, तो दो लाइन समझते हैं पहले हम क्वालिटी कंट्रोल की। तो किसी भी ड्रग या कोई भी सब्सटेंस, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमको क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक जनरल एग्जांपल समझे हम, तो दूध लेने सभी लोग जाते होंगे और अब तो यहाँ पे ज़्यादातर पैकेट वाला चल रहा है, तो बहुत लोग जाते होंगे दूध लेने। तो वो क्या देखते हैं कि दूध वाले जो दूध देते हैं वो पानी ना मिला दे उसमें। तो वो अगर वो पानी मिला दे तो हम कहते हैं उसकी क्वालिटी जो है कम हो गई, दूध हमारा अच्छा नहीं है। और क्वालिटी ना मिले तो कहते बहुत गाढ़ा दूध है, प्योर दूध है, बहुत अच्छा दूध है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने हम क्या करेंगे, हम पहले ही पहुंच जाएंगे, दूध निकालते हैं उससे पहले हम पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे हमारे सामने दूध निकालो। तो ये सब हमारे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का एक तरीका है। यानी कि हम उनके अपने सामने करवा रहे हैं तो उसमें पानी मिला नहीं पाएंगे, तो हमको जो दूध मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। तो यही सब चीज़ है। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिलावट जो हो रही है वो हो कैसे रही है, यानी कि कुछ भी मिक्स कर रहे हैं, क्वालिटी खराब कर रहे हैं, वो क्या हो रही है। तो इन सब टर्म को हम समझते हैं एडल्ट्रेशन के अंदर। अब बात करें एडल्ट्रेशन क्या है, तो अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो ये हमारी कहलाती है मिलावट। यानी कि समझो कोई भी हमारा ड्रग है, कोई भी हमारा ओरिजिनल ड्रग है, क्रूड ड्रग है, कुछ भी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कुछ भी अलग अनवांटेड चीज़ इसमें मिला देते हैं और वो क्या करता है, इसकी क्वालिटी को कम करता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, तो ये हमारी ये कॉग्नोसी और यहाँ पे ये भी लिखा है नेचुरल ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे हम उन ड्रग्स की मिलावट के बारे में स्टडी करेंगे, वो ड्रग हमारे क्या होंगे, नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलेंगे, यानी कि वो हमारे क्या होंगे, क्रूड ड्रग होंगे। यानी कि अब जब कभी मैं यहाँ पे अभी ड्रग बोलूंगा फार्माकोग्नोसी में, तो आपको इमेजिन ये टैबलेट नहीं करनी है, आपको इमेजिन क्या करना है, ये हमारा पौधा, जैसे हमारी ये रूट हो गई, तो रूट में हमारी गिंजर वगैरह हो गई, लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, तो ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं क्रूड ड्रग के अंदर आती हैं। तो इनकी इनमें भी मतलब मिलावट होती है, आयुर्वेदिक में भी बहुत ज्यादा मिलावट होती है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे जो है स्टडी करने वाले हैं कैसे होती है। और अगर रियल लाइफ में देखें तब भी बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा नकली दूध बन रहा है, सरप वगैरह घोल के पता नहीं कैसे बना देते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है नकली मिल रही, नकली मिठाइयां, नकली खोया, हर तरफ मतलब बहुत कुछ नकली चल रहा है। तो इन सब चीजों को हम जो है यहाँ एडल्ट्रेशन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ड्रग्स के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन कहती है कि द मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट करो एक हमारी राशन की दुकान है और उस पर बासमती चावल है। अब वो कई वेराइटीज के हैं, कोई 100 रुपए किलो वाला, कोई 80 रुपए किलो वाला, कोई 50 रुपए किलो वाला। तो वहां पे दुकानदार क्या करते हैं कि जो हमारे ये 10 किलो, जैसे मान लो 100 रुपए किलो वाला चावल है, 10 किलो का एक बोरा है, तो वो क्या करेंगे, 10 किलो में 1 किलो हमारे 50 रुपए वाले चावल मिला देते हैं। और इससे क्या होगा, ये मतलब इसमें मिला देंगे अब चावल एक दूसरे की तरह, जैसे यहाँ पे वर्ड आया था ना सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी कि जो चीज हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो हमारी एक तरह दिखनी चाहिए। तो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस अब इसमें मिला देंगे, जिससे इसमें कोई पहचान तो पाएगा नहीं कि इसमें जो चावल के दाने हैं कुछ कुछ वो हमारे 50 रुपए वाले हैं। तो क्या होगा कि सारे के सारे चावल ही हमारे 100 की तरह बिक जाएंगे, यानी कि जो 50 वाले हैं ना ये भी हमारी 100 की तरह बिक रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दुकानदार को 50 रुपए का फायदा हो जाएगा एक बोरे पे। तो इसी चीज को यहाँ पे बोलते हैं हम एडल्ट्रेशन, यानी कि कुछ अलग मिलावट कर दिया जो एक जैसा दिखता था, जिससे लोग उसमें पता नहीं कर पाए। अब और बात करें तो यहाँ पे कहते हैं मिक्सिंग या सब्स्टिट्यूट, वही मैंने बताया, या तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदल देना। जैसे मान लो ये चीज है, यहाँ एक ए बैठा है नाम का लड़का, यहाँ एक आकाश बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ से आया, इसने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के और खुद इसकी जगह ले ली, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी चीज को बदल। जैसे क्रिकेट में होते हैं ना, खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं तो उनकी जगह एज ए सब्स्टिट्यूट कोई बाहरी एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाते हैं और फील्डिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह आ गए। तो यहाँ पे यही है कि या तो ये हमारा जो नकली वाला पदार्थ, यानी कि जो चीप क्वालिटी है कुछ भी है, उसको हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो या तो हम पार्शियली कर देंगे, यानी कि पार्शियली का मतलब वही, जैसे अभी हमने यहाँ देखा 10 किलो थे उसमें से सिर्फ इसने मतलब 1 किलो इसमें मिलाया, तो ये पार्शियली है, या फिर पूरा का पूरा एक्सचेंज कर देंगे। मान लो पूरे के पूरे ही 10 किलो का ये वाला बोरा इसकी जगह हटा दिया, पूरा का पूरा एक्सचेंज कर दिया और इसको जो है 100 रुपए किलो के अंडर में बेच रहे हैं।
रही हैं। तो ये हमारी कहलाती है, ये पूरी डेफिनेशन है कि जो भी कोई भी हमारा वैसे मान लो ओरिजिनल ड्रग है, तो इसमें जो भी हम होगा मिलावट करेंगे उसकी तरह वो दिखने वाला सब्सटेंस होगा, या तो हम उसको पार्शियली मिलावट करेंगे थोड़ा सा मिलाएंगे, या फिर हम पूरा का पूरा ही उस नकली सब्सटेंस से असली वाले को एक्सचेंज कर देते हैं और उसको हम जो असली की तरह बेचते हैं। तो ये हमारी कहलाती डेफिनेशन। अब इसमें जो हम सब्सटेंस मिलाते हैं उसको या तो इन्फीरियर होता है, वो इन्फीरियर मतलब हीन होता है, रद्दी यानी कि बेकार सा होता है, डिफेक्टिव होता है, उसमें कोई खराबी होगी, यूजलेस होगा मतलब उसका कोई भी मतलब यूज नहीं है, यूजलेस का मतलब आप जानते ही हैं। देन क्या होगा, कुछ टाइम वो हार्मफुल भी होता है यानी कि उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बाकी बात करें जो भी हमारा सब्सटेंस मिलेगा उसमें कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी कि जो असली हमारा ड्रग है उसके अंदर हम जो ये नकली वाली चीज़ें मिलाएंगे इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको एक लैटिन वर्ड में हम डिवेस वर्ड से भी जानते हैं, अल्टरेशन, और पूरी प्रोसेस को डिवेसमेंट नाम से हम जानते हैं, यानी कि डिवेसमेंट का मतलब होता है किसी की क्वालिटी को कम कर देना। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखें तो हो सकती है कि द डिवेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल या फिर द डिवेसमेंट ऑफ एन एनी प्रोडक्ट, यानी कि क्वालिटी, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग, यानी कि किसी भी ड्रग की हम क्वालिटी को जो रिड्यूस कर रहे हैं उसी को यहाँ पे जो है एडल्ट्रेशन बोला गया है। अब एक एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो मान लो ये हमारा कोई ओरिजिनल ड्रग है, सब्सटेंस है, अब हमने किया कि इसको पार्शियली मतलब हमने इतना हिस्सा लेके ये वाला इसमें ऐड कर दिया। अब देखो ये मतलब सर्कल सर्कल हमारे सेम सेम है, यहाँ मैंने मतलब कलर ये ब्लू ब्लैक इसलिए बनाया जिससे आपको ये इजिली विजिबल हो, वैसे ये हमारे लगभग लगभग सेम होते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने इसकी जगह इतना मिला दिया, ये ऐसे बन गया। अब ये हमारा जो जिस चीज़ को हम यहाँ मिला रहे हैं, जिस चीज़ से हम अल्टर कर रहे हैं, उसको हम यहाँ बोलते हैं एडल्टरेंट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं एडल्टरेंट, ये हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया, और जो चीज़ हमारा मिलके बना इसको हम बोलते हैं एडल्टरेटेड ड्रग, यानी कि ये मिक्स वाला सब्सटेंस है, और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है एडल्ट्रेशन। तो आई होप आप लोग यहाँ पे एडल्ट्रेंट और ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं रीजन, आखिर क्या वजह थी कि हमको एडल्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये होती है कि स्कार्सिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि मान लो कोई भी हमारी ड्रग या दवा है उसका अभाव है, मतलब क्या है उसकी कमी है हम लोगों को, यानी कि जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना वैक्सीन जब नया नया चला था तो मतलब सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो सैनिटाइजर अब तो बहुत हो गए, तब इतनी कमी थी कि लोग क्या कर रहे थे, एक बोतल लेते थे और उसमें आधा पानी मिला देते थे। जैसे ये समझिए कि ये हमारा एक 100 ml का सैनिटाइजर है, इसमें से 50 ml इसमें निकाला, 50 ml इसमें, और बाकी 50 ml इसने क्या किया पानी मिला दिया और एक पूरा 100 ml का हमारा सैनिटाइजर बना दिया। तो ये क्या था, कमी थी उस टाइम पे, इस वजह से ये लोग कर रहे थे जानबूझ के, और इससे मतलब वैसे भी कर रहे थे कि रुपये का भी लाल था क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ही उड़ रहे थे इनके प्राइस। बाकी बात करें एक्सपेंसिव ड्रग, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, यानी कि एक्सपेंसिव, जैसे अगर हम एग्जांपल लें काली मिर्च आपने सुनी होगी 1000 रुपये किलो हर घर में यूज़ होती है, बाकी हमारे क्लोव हो गए, लौंग हो गई, सिन्नामोन हो गया, दालचीनी हो गई, मतलब ये आपको नाम बहुत अजीब लगते होंगे, सिन्नामोन आपको याद भी नहीं, अगर हिंदी मतलब देखो दालचीनी, क्लोव, लौंग, तो लौंग, इलायची, ये सब मतलब हर घर में यूज होते हैं, यही हमारी बेसिकली ड्रग होती है, क्रूड ड्रग, यानी कि जो नेचर से हमें प्राप्त हो रही है। और आपने देखा होगा ना लौंग का तेल आता है आपकी दांतों को दर्द को बंद करने के लिए, तो ये भी तो हमारा एक मतलब क्रूड ड्रग ही है ना, जो लौंग का तेल हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस फार्माकोग्नोसी में वर्ड थोड़े वो है, बस आपको उसका मतलब जान लेना, अगर आप एक बार उसका मतलब जान गए ना रियल लाइफ में कि वो क्या चीज़ क्या है वो, तो आपको फिर आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, बात करें सिमिलरिटीज इन मॉर्फोलॉजी, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक जैसे होते हैं देखने में, जैसे मान लो कोई हमारे 2-3 पौधे हैं और उनकी पत्तियां एक जैसी सेम है, तब इस वजह से क्या करते हैं लोग उसको कर देते हैं, कई बार ये धोखे से भी हो जाता है, यानी कि अनइंटेंशनली, इसको भी हम आगे देखेंगे। अब बात करें लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वही मैंने बताया जैसे सैनिटाइजर है, या अभी मान लो कोरोना वैक्सीन मतलब ये आने रही है तो कुछ कुछ टैबलेट चल रही है, तो उन टैबलेट को लोग क्या करते हैं बहुत बहुत महंगे प्राइस पे देते हैं, ये कहते हैं खा लो मर जाओगे, रुपये बचा के क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, तो इन सब के चक्कर में हमारी एडल्ट्रेशन होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन की, यानी कि इतनी तरह की, तो यहाँ पे हमारी 2 तरह से एडल्ट्रेशन होती है, एक हमारी होती है डायरेक्ट इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, और एक हमारी होती है इनडायरेक्ट यानी कि अन इंटेंशनल। हम नाम से ही इनको समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, डायरेक्ट या इंटेंशनल हम समझ सकते हैं कि जानबूझ के, यानी कि कोई हमारा इंटेंशन था, कहते नहीं है कि यार सॉरी मेरा इसके लिए तेरे मतलब कोई भी इंटेंशन नहीं था मेरे मन में, यानी कि मेरे मन में कोई भी इसका बुरा इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है इरादा है, यानी कि लोग जानबूझ के एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जानबूझ के लोग मिलावट कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ बोलेंगे डायरेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अब इसकी डेफिनेशन भी हमारी ऐसी बनती है कि इट इज डन इंटेंशनली, यानी कि ये हमारी किसी मिलावट के लिए कर रही है, क्यों कर रहे हैं, या तो इनको कोई मतलब प्रॉफिट होगा, या इसको कोई भी अलग रीजन हो सकता है, अभाव हो, यही मैंने रीजन आपको बताई है, 4 रीजन हो सकते हैं, इसमें से कोई सा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो इसको कर रही हैं। बाकी इसमें वही तरीका, बाकी मतलब डेफिनेशन हमारी एडल्ट्रेशन की है, बस आपको स्टार्टिंग में क्या लिख देना है कि ये हमारी
इंटेंस नहीं, यानी कि जानबूझ के हमारी हो रही है। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट वाली। अब इसके भी कई सारे मेथड हैं, वैसे तो इसके 8-9 तरीके होते हैं, मतलब टाइप्स इसके डायरेक्ट के अंदर, लेकिन काफी ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे और ज्यादा के चक्कर में कई बार क्या होता है हम छोटी मोटी चीजें भी भूल जाते हैं। तो बस लिमिटेड पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा है। आप ये मत सोचना सॉल्ट है, बहुत बड़ा है एग्जाम, 10 में आएगा तब भी आप अच्छे से कर सकते हो। पहला हमारा है, आपको बस नाम समझना है, आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, एडल्ट्रेशन बाई आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी मान लो हमारा ओरिजिनल ड्रग है, जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिनल ड्रग है, तो इसमें जो हम क्या कर रहे हैं कि किस चीज़ को मिला रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, उस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज से कुछ साल पहले हम लोगों ने सुना था कि नकली चावल का चलन चला था, कि चाइना नकली चावल बना रहा है, ये चीज़ें बेच रहा है। तो चावल हमारा क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और नकली चावल हमारे क्या थे, उसी की तरह हमारी सेम बन के और उसको हम वहाँ बेच रहे थे। तो ये हमारी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या इनके साथ जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स, यानी कि एक हमारा वीज वैक्स होता है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, येलो कलर का एक हमारा पैराफिन वैक्स होता है, इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं और इसको हम जो है इसकी तरह इसकी मतलब जगह यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारा जो मोस्टली होता है वो हमारा कॉस्टली ड्रग के चक्कर में होता है, यानी कि कोई ड्रग हमारा महंगा है तो इस जगह हम यहाँ पे जो है नकली चीज़ें उसमें मिला मिला के और तब हम इसको जो है बेचने लगते हैं। जैसे अगर इसको याद रखना हो तो एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप लोगों ने एडिडास और ये सारे शूज देखे होंगे, ये हमारे 3-4 हज़ार के आते हैं, लेकिन नकली इन्हीं की तरह मतलब सेम कॉपी छाप के और 300-400 रुपए में लोग बेचने लगते हैं। तो ये भी एक तरह से कहें तो एडल्ट्रेशन हमारे कपड़ों या उसकी दुनिया में, तो ये हमारे होते हैं आर्टिफिशियल। दूसरा हमारा है विद इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल, तो इन्फीरियर का मतलब हम जानते हैं कि कोई हमारा हीन है या फिर रद्दी वाला माल है, उस चीज़ से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको मिला रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारा एक अच्छा सा प्रोडक्ट है ये वाला, और इसमें हमने क्या किया, इसी की तरह कोई मतलब बेकार क्वालिटी का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। जैसे इसका एग्जांपल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मान लो कोई हमारे चावल हैं 100 रुपए किलो वाले और एक हमारे चीप क्वालिटी के हैं 50 रुपए किलो वाले, बस इसमें फर्क क्या होता है कि ये हमारे सिमिलर लुकिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा हाँ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, उनकी रूपरेखा ऊपर से देखने में कैसे हैं, शेप साइज क्या है, तो वो चीज़ें इनकी सेम होती हैं, इस वजह से हम इसमें ये चेंज कर देते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वही यहाँ पे कि भाई चावल ये वाले थे, इसमें से इसको मिला दिया तो हमारा ये मतलब 100 रुपए की तरह बिक रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, तो ये चीज हमारी कहलाती है यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी मेटेरियल, यानी कि थोड़ा रद्दी लोग चीप क्वालिटी का हमने लेके उसमें हम मिक्स कर देते हैं। एग्जांपल देखें तो एक इंडियन सेना आता है, इसकी जगह मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम अरेबियन सेना से, ठीक है। बाकी एक मेडिसिनल गिंजर होती है, इसको हम जिंजीवेर मियोगा से रिप्लेस कर देते हैं। जो ये सब ड्रग के नाम है आपको 2-3 तो याद करने ही करने पड़ेंगे, मुझे पता है ये सब याद नहीं होते, हमें भी नहीं होते, तो इनको बस आपको थोड़ा सा मतलब याद, चाहो तो रट्टा मार लो चाहे लिख के देख लो, एक चार्ट सा बना लो, इनको 2-3 आपको डायग्राम मतलब एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं फ्रेंड्स, आपको जितने भी मैंने ऑर्गेनाइज्ड अनुग्रह जितना आप तक पढ़ाया है एग्जाम्पल आपको सबका लिख के आना है। फिर बात करते हैं सब्स्टिट्यूट विद एग्जॉस्टेड ड्रग। अब एग्जॉस्टेड ड्रग क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी हमारे, हाँ ये हमने देखा था यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे कहाँ गए, हाँ ये थे, तो हमने क्या किया इस पत्ती से हमने क्या किया यहाँ से एग्जॉस्ट करके इसका जो भी हमारा मेन ड्रग था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। जैसे मान लो तुलसी, हमने तुलसी रस पूरा निकाल लिया। अब तुलसी रस निकालने के बाद क्या होता है कि ये पत्तियों का थोड़ा निचोड़ ऐसा करके हमारा ले जाता है, अब क्या करते हैं लोग इसको भी इसी में डाल देते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं एक्स होस्टेड, यानी कि जो हम उसका निचोड़ निकाल चुके हमें उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसके बाद भी लोग उसको उसी में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या है वजन बढ़ जाएगा लोगों को होगा। जैसे तेल निकलता है, राई का तेल निकलता है, तो उसकी कई कई बार वो चीज़ें मिक्स आपको मिल जाती हैं। जैसे धान से हमारे चावल निकलते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धान से चावल निकले, लेकिन आप जो चावल कुछ देखोगे 20-30 रुपये 40 वाले मिलते हैं, तो उसमें धान के आपको बहुत सारे अंश मिलते हैं। अब धान से चावल निकल गए तो उनके जो छिक्कल है उसका हमें कोई तो फर्क तो है नहीं ना, हम उसको खाएंगे बस हमको प्रॉब्लम और क्रिएट करेंगे, तो इन चीज़ों को हम एग्जॉस्टेड ड्रग, यानी कि जिससे हम निचोड़ निकाल चुके हैं उसका बचा हुआ जो मटेरियल होता है उसको हम अगेन उसी में ऐड कर देते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे कहलाते हैं एग्जॉस्टेड ड्रग। जैसे एग्जांपल देखो, ये ज्यादातर वोलेटाइल ऑयल में होता है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी से, उसके बाद जो उसका बचा हुआ मटेरियल होता है उसको भी हम वहां पे ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लौंग का तेल निकालने के बाद कई कई लौंग के छोटे छोटे अंश होते हैं वो भी हम उसमें मिला देते हैं, तो ये इसका एग्जांपल था। देन हम समझते हैं एडिशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल, तो ये हमारा क्या है कि कई बार सिंथेटिक चीज़ जैसे केमिकल्स वगैरह हमारे होते हैं, इसको हम जो है ड्रग में जानबूझ के मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, जिससे उसका असर बढ़ जाए। लेकिन वही बात है भाई, इन्हांस तो कर रहा है, लेकिन वही बात है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा फायदा करती है तो नुकसान भी करती है, और कुछ भी हो एडल्ट्रेशन तो है भाई, क्योंकि मिलावट तो कुछ इसमें हमने अलग सा किया ही किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे कुछ सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह होते हैं
हैं उसको हम यहाँ पे मिलावट कर देते हैं ओरिजिनल ड्रग के साथ, और ये हमारी एडल्ट्रेशन कहलाती है एडिक्शन ऑफ सिंथेटिक। और एग्जाम्पल जैसे हमारा वल्सम ऑफ पेरू होता है, ये वल्सम पेरू नाम से एक हमारा ड्रग होता है आयुर्वेदिक वाला होता है, इसमें हम कई बार वेंजाइल वेंजोइल मिला देते हैं जो क्या करता है इसकी एबिलिटी को, इसकी इफेक्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। देन हम देखते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। तो इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये समझो कि जब भी कभी आप मिठाई लेने जाते हो, छेना लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, लोग क्या करते हैं वो आपको छेना तो देंगे साथ में वो इतना भारी सा डिब्बा रख देते हैं, चाहे तो वो हल्के डिब्बे में कर सकते हैं चाहे तो पॉलिथीन में भी दे सकते हैं, नहीं इतना भारी डिब्बा रखेंगे। तो ये समझो अगर आपकी 1 किलो की मिठाई है तो उसमें 200 ग्राम का तो डिब्बा ही डिब्बा निकल जाता है। तो ये उनका क्या है पूरा पूरा मतलब डिब्बे के रेट कितने होंगे, ज्यादा ज्यादा 10 या 12 रुपए का या 15-20 रुपए का मान लो डिब्बा, और आपको बेच कितना, जैसे मान लो 200 रुपए किलो वाली मिठाई है तो उसी रेट पर आपको ये डिब्बा भी जा रहा है, और इतनी महंगी रद्दी या कपड़ा या कागज तो कहीं बिकता नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से मतलब मिलावट है कि कोई भी हमारा वर्थलेस चीज है यानी कि जिसका कोई भी यूज नहीं है। अब आप इसको खाओगे तो नहीं डिब्बे को, वर्थलेस ही होगी ना यहाँ पे, तो ऐसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरह के जैसे और एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसके देखें मुलैठी की जड़, तो मुलैठी वगैरह सब देते हैं तो उसकी जड़ भी देते हैं, जैसे कई बार होता है आप मूली वगैरह लेने जाते हो उसके पेड़ पौधे दे देते हैं साथ में, आपको वो चाहिए ही नहीं। बहुत सी सब्जियां होती हैं तो ये मतलब क्या करते हैं उनके साथ के, जैसे मान लो मूंगफली है तो आप चाहो मूंगफली के छिक्कल भी साथ में आते ही आते हैं, वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन उसका कोई यूज तो नहीं है ना। तो ये हमारी कुछ होती हैवी वर्थलेस मटेरियल यानी कि उनका वजन भी होता है और उनका कोई यहाँ पे मतलब वर्थ नहीं है, एक तरह से देखें तो उसको आप फेंकोगे ही बाद में, ऐसा नहीं कि आप उसको संभाल के कोई यूज करने वाले हो। तो ये हमारी कहलाती है एडिशन ऑफ हैवी वर्थलेस मटेरियल। देन हम समझते हैं एडल्ट्रेशन बाई हार्मफुल एडल्ट्रेंट, तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी हार्मफुल होती हैं और उन चीजों को यहाँ पे जो हम उस ड्रग के साथ ऐड कर देते हैं, और ये हमारी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखें तो ओपियम जो हमारा उसमें लेड सॉल्ट मिला देते हैं, कोकोनट ऑयल उसमें व्हाइट मिल्क, यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल ये समझो कि जो हमारा बेस्ट मटेरियल हमारा बच जाता है उसको क्या करते हैं ये अगेन उसी ड्रग में, जैसे मान लो हमने इसको यूज कर लिया अच्छे से, अब इसका बेस्ट मटेरियल बच गया, अब क्या करेंगे उसको हम अगेन इसमें डाल देंगे। जैसे मान लो हाँ मूंगफलियाँ आप लेने गए, मूंगफलियाँ आपने खाई मतलब उस दुकान वाले के पास, उसके बाद कुछ छिक्कल बचे हुए, तो वो क्या करेगा आपको मूंगफलियाँ तोला उसके साथ में वो कुछ छिक्कल भी उसमें डाल देगा, तो इससे क्या होगा उसका वेट बढ़ जाएगा लेकिन उस छिक्कल का कोई रोल तो नहीं है, और वो हो सकता है वो आपके लिए मतलब ये इसका एग्जाम्पल था। अब जैसे कोई ड्रग होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो चीज़ हमें हार्म भी क्रिएट कर सकती है, और ये जो मोस्टली है ये हमारा देखने को मिलता है हमें लिक्विड्स में या फिर अनऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज वो होते हैं जिसे हम मतलब पेड़ पौधे से ड्राइव करते हैं, डायरेक्टली वो पार्ट नहीं होते, हम क्या करते हैं उससे यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव करने से मान लो कोई ऑयल वगैरह बन गया तो इसमें फिर हम वो हार्मफुल चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जैसे आजकल चल रहा है ना लोग कहते हैं कि भाई खाने पीने में बाहर की चीज़ों में जहर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब मतलब एडल्ट्रेशन ही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई, इतने बहुत हैं 6, वैसे और भी इसके टाइप होते हैं कि प्लांट के पार्ट हम डाल देते हैं, बाकी और भी 2-4 चीजें हमारा इतना सूटेबल है। देन अब यहां पे हम समझते हैं अपना इनडायरेक्ट या फिर अनइंटेंशनल। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है यहां पे कि हम उसको जानबूझ के नहीं मिला रहे हैं लेकिन मिल रहा है, धोखे से मिला, वही बात है भाई एडल्ट्रेशन चाहे धोखे से हो या जानबूझ के हो, एडल्ट्रेशन तो एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट तो मिलावट है। अब ये हमारी हो क्या हो जाती है, पहली बात इसमें मतलब विदाउट बैड इंटेंशन है और ये हमारी एक्सीडेंटली हो जाती है, ठीक है। अब ये हो कैसे जाती है, तो पहला अगर हम इसमें देखें फॉल्टी कलेक्शन, देन हमारा इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, देन हमारा है इनकरेक्ट स्टोरेज। अब अगर हम इस कंडीशन को समझें, फॉल्टी कलेक्शन क्या है कि कई बार हम जानते हैं कि जो हमारे ये पेड़ पौधे ये चीज़ें होती हैं जड़ी बूटी वाली, इसको हम जंगलों में लेने जाते हैं या और कहीं से मतलब इसको हम इकट्ठा करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी क्या होती हैं सेम सिमिलर लुकिंग की होती हैं, तो गलती से मतलब हमको ये पत्ती चाहिए लेकिन गलती से हम इसी की तरह दिखने वाली क्या करते हैं दूसरी पत्ती को ले आते हैं, तो एक ये हमारा तरीका हो गया। बाकी क्या है केयरलेसनेस है, यानी कि जो इस चीज को सप्लायर है कलेक्ट कर रहा है वो ध्यान नहीं दे रहा है तो किसी की जगह कुछ भी डाल रहा है, तो ये हमारे धोखे से हो गए। और भी अगर हम रीजन यहां पे देखें तो इग्नोरेंस हो गया, बाकी कुछ चीजों के कलर सेम होते हैं, और बाकी सबसे बड़ा रीजन है कि मान लो कोई नौसकिया यानी कि नए नए लोग फ्रेशर हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती तो वो इसकी जगह कोई गलत चीज उठा लाए, तो ये सारे हमारे रीजन थे फॉल्टी कलेक्शन, यानी कि जब हम कलेक्ट करते हैं अपने क्रूड ड्रग को तो उस टाइम पे ये हमारी मिस्टेक बाय मिस्टेक चीजें हो जाती हैं। जैसे हमारा एग्जांपल यहां पे देखो एकोनिटम डाइनोरहिज्म, ये हमारा एक वो है, ये हमारी किसकी जगह आ जाता है एकोनिटम नेपेलस, ये हमारा ओरिजिनल है, इसकी जगह कई बार ये चीज हमारी कलेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा फॉल्टी कलेक्शन में आ जाता है। देन हम यहाँ पे समझते हैं अपने इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम उस ड्रग से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी चीज़ें निकालते हैं तो उस टाइम पे कई बार क्या हो जाता है कि हम प्रोसेसिंग गलत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं।
जैसे एग्जाम्पल घर में देखो, जब सब्जियां वगैरह बनती है तो कई बार क्या होता है कि सब्जी बनाते टाइम अगर नमक ज्यादा पड़ गया, मिर्च ज्यादा पड़ गई, या तेल पक नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, खराब सब्जी हो जाती है, सब्जी में स्वाद नहीं आता। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि वो सब्जी बनाते टाइम खराब हुई, यानी कि जब प्रोसेसिंग उसकी चल रही थी उस टाइम पे उसमें थोड़ी बहुत खराबी आ गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो कि हम क्या करते हैं, कोल्ड लीवर ऑयल को हम लीवर से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है। तो कई बार क्या होता है, एक्सेसिव हीट, यानी कि ज्यादा हीट दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में कुछ जो उसकी पावर है, जैसे विटामिन होते हैं उसके अंदर, उसका ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, कलर हो गए, ये चीजें भी अफेक्ट कर जाती हैं। कई बार ये चीजें हमारी खराब हो जाती है, कई बार बिल्कुल निकलती ही नहीं है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ ऑयल हमारे ऐसे होते हैं, कहते हैं यार ये तो असर ही नहीं कर रहा, ये वाला असर ही नहीं कर रहा। तो ये सब हमारी हो सकती है कि इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग के कारण रीजन हो सकता है। अब हम समझते हैं इनकरेक्ट स्टोरेज। तो यहां पर क्या होता है, कई बार हम स्टोरेज कंडीशन हमारी ठीक नहीं होती, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि उसमें मतलब मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, इन सबके चक्कर में क्या होता है, हमारे हम जानते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाते हैं, हमारे माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं या और भी एंजाइम वगैरह आ जाते हैं, ये क्या करते हैं डीटी, ये हमारा एक वर्ड है यहाँ पे डिटीरिएशन, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इम्पेयरमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की क्वालिटी हमारी इम्पेयर हो जाती है, खराब हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे मान लो माइक्रोब्स आ गए, माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस चीज़ को खराब कर देंगे। अब माइक्रोब्स आके होंगे कहीं भाई टेम्परेचर कम है या मॉइस्चर हो गए, इन सब चीज़ों के चक्कर में हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो इसके एवेल्यूशन को समझेंगे। अब बात करें नोट्स की, तो ये आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ भी समझ आया हो, ना समझ आया हो, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। बाकी कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।